तो दोस्तों थोड़ी देर में रामायण कथा का शो शुरू होने वाला है, जिसमें 150 के करीब में इसमें कलाकार होंगे। और सुनने में आ रहा है कि 11 अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, जो कि अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों कलाकार जो देख पा रहे स्टेज के पास आ चुके हैं, ये क्या भव्य दृश्य है दोस्तों। और देख पा रहे इसी कथा को अभी शुरुआत होगी, पूरी रामायण इस झांकी में दिखाया जा रहा है। दोस्तों शायद आपको स्क्रीन में समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं बता दूं यहाँ पर जो रामायण में जो कथाएं हैं उसी को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर बहुत अलग अलग कैरेक्टर भी हैं, जिसमें श्री राम के बारे में बताया गया है कि जैसे वनवास गए, युद्ध हुआ, ये सब इसमें हमको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी जस्ट अभी देखने को मिला हमें कि जो सीता जी का हरण हो चुका है, रावण जो है लेके चला गया है लंका पे, और यहाँ पर चारों तरफ से खोजा जा रहा है सीता जी को राम लक्ष्मण के द्वारा। आप जो सामने देख पा रहे रेड टोटल पाने हैं, यही उसका कैरेक्टर है उन लोग का। देखेंगे जो ये पीला वाला जो पहना है, यही रावण का कैरेक्टर है। बहुत काफी अच्छा स्टंट भी कर रहा है, तो इसको प्रेजेंट इतना अच्छे ढंग से किया म्यूजिक के साथ, देखो काफी अच्छा लग रहा है, काफी एक्साइटमेंट भी हो रहा है इस चीज को देख के। और यहाँ पे थोड़ी देर में राम और रावण की युद्ध होने वाली है, जो अब देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे युद्ध शुरू होगी और थोड़ी देर में शुरू भी हो गई, उसके साथ के राक्षस के सेने सब हैं। मैं दोस्तों यही कहूँगा कि आप भी यहाँ पर आएँ और इस जगह को एंजॉय करें, क्योंकि ये चीज़ बार बार हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। लगभग ये 3-4 दिन और प्रोग्राम चलने वाले हैं इस टाइप के, तो ज़रूर आएँ और आप भी देखें और एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई है रावण और राम लक्ष्मण के बीच में, और यहाँ पर रावण जो है पराजित हो जाएगा। तो यही थी कथा इस झांकी दिखाने का। दोस्तों रामायण अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि रावण का वध क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर इतना अहंकार आ गया था और घमंड आ गया था, बुराइयों का एकदम पूरा पहाड़ कर लिया था। तो आपको पता ही है कि बुराई कितना भी मजबूत हो, लेकिन अच्छाई के आगे टिक नहीं पाती है। तो रामायण से हम लोग की ये चीज़ सीखने को मिलता है। काफ़ी घमासान युद्ध चल रहा है और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है देखने के बाद। कैरेक्टर को जो देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, इतना स्पीड से रोटेट कर रहा है भाई, सर घूम जाएगा। अभी ये रावण का यहाँ पर होगा अंत, देखो भाई। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहिए दोस्तों।